बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की काली स्याह तस्वीरें लगातार लोगों को देखने को मिल रही हैं। बेरहमी और लापरवाही के वीडियो आए दिन सामने आ रहे हैं, जिसमें मरीज को बेसुध तड़पते देखा जा रहा है। एक बार फिर ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जो अस्पताल प्रबंधन की बेरहमी और लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना कहा जा सकता है। इसमें परिजन रोते चिल्लाते चीखते दिख रहे हैं। अगर सही समय पर लोग ना आते तो शायद यह बीमार महिला भी काल के गाल में समा गई होती। ये तस्वीर राजधानी पटना के गार्डन अस्पताल की है, जहां कोरोना का टेस्ट हो रहा है। आज सुबह करीब 10 बजे टेस्ट करवाने आई एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया, परिजन चीखने चिल्लाने लगे। महिला का बीपी अचानक कम हो गया। महिला का पति पानी के लिए चिल्ला रहा था, तभी एक मीडिया गाड़ी का ड्राइवर सामने आया। उसने मानवता दिखाते हुए बोतल से पानी उसके मुंह और छींटे। फिर एक दो लड़कियां भी पानी लेकर दौड़ी, लेकिन तब तक अस्पताल प्रबंधन से सुध लेने वाला कोई नहीं आया। काफी देर बाद बीमार महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी महिला की तबीयत स्टेबल है। इस वीडियो को अब तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया है। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में नीतीश कुमार के हिमालयन ब्लंडर और कुंभकर्णी नींद की वजह से चहुओर चित्कार हाहाकार और त्राहिमाम है। लोग चीख तड़प और मर रहे हैं। जनता त्रस्त, प्रशासन पस्त, व्यस्त और लापरवाह सरकार चुनावी तैयारियों में मस्त है। हे परम परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रदेशवासियों को बचा लीजिए। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क किनारे छटपटाता दिख रहा है। पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 पर यह अज्ञात व्यक्ति छटपटा रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग और पुलिस वाले भी मौजूद है, लेकिन अस्पताल पहुँचाने वाला कोई नहीं है। यह व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है या किसी और बीमारी से, ये तो पता नहीं, लेकिन यह साफ दर्शाता है कि कोरोना जैसी बीमारी का खौफ सभी में है। यह आदमी कौन है, कहाँ का, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।